हेलो, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, गाजीपुर यूपी से मैं क्रांतिकारी मिशन गायक रवि राजबोध आप सभी धर्म प्रेमियों को, भीम अनुयायियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और आज मैं बात करने के लिए आया हूँ मिशन 2019 पे, क्योंकि सत्ता के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसको साजिश की जा रही है बदलने की, और हमारी संख्या इतनी होकर हम कुछ लोग नहीं कर पा रहे। इसलिए आप लोग अपनी ताकत को दिखाएं, अपने बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जो हमारे समाज के यहाँ के मूल निवासी हैं, सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग मिशन 2019 के लिए तैयार हो जाइए अभी से। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, और अपनी सत्ता बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, बहन जी की सरकार बनाइए, क्योंकि वो अकेले हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए लड़ती हैं मनुवादियों से। और एक पॉइंट की बात, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, आज अभी नवरात्रि चल रही है, हर पंडाल में 20 से 50 साउंड बना है, हर पंडाल में 20 से 50 साउंड बजा है, लेकिन कोई पुलिसकर्मी, कोई SO, कोई दरोगा, कोई शासन प्रशासन, कोई DM SDM, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। क्या सभी लोगों ने परमिशन लिया है? क्या सभी लोग परमिशन से बजा रहे हैं? कोई एक भी जांचने वाला नहीं आया। क्या अब ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रही है? लेकिन जब हमारे महापुरुषों की बात आती है, हमारे महापुरुषों की जन्मदिन आता है, जयंती आती है, तो यही पुलिसकर्मी, यही SO, यही गवर्नमेंट, यही सरकार, यही भाजपा सरकार अपना प्रशासन भेजती है, जाओ बंद करवा दो ताकि बाधा डालो, ये अपने महापुरुषों की जयंती धूमधाम से ना मनाने पाए। हम लोग दो साउंड भी नहीं बात सकते, दो साउंड, और ये 20 50 100 100 बात के बजा रहे हैं नवरात्रि में, तब ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग अपने महापुरुषों की जयंती में 5 साउंड भी नहीं बता सकते, प्रोग्राम भी नहीं दे सकते, उसके लिए परमिशन लो, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो ऐसा करो, उसके बाद भी आके धरना देंगे ये प्रशासन वाले। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी सरकार बनाओ, अपनी सत्ता बनाइए, आप लोग जवाब दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से। हमारे साथ मनमानियाँ हो रही हैं, हमारे केस दर्ज नहीं हो रहे, हमारे SC ST एक्ट के खिलाफ कार्रवाई वो की जा रही है, साजिश की जा रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए, और मैंने एक चैनल बनाया है ये रवि राजबोध, इसको आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए गानों को। कोई भी गलती हो अगर गाने में आप लोग बता सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी बात, इस बात को आप फैलाइए लोगों तक। जब हमारे महापुरुषों की जयंती आती है, जिन्होंने भारत का संविधान दिया, जिनके संविधान पे आज हमारा भारत देश चल रहा है, एक एक नियम कानून सब कुछ, उनकी जयंती मनाने के लिए धूमधाम से परमिशन नहीं मिलती हमें साउंड बांधने के लिए, ध्वनि प्रदूषण होती है। लेकिन आज हर एक पंडाल में, हर गांव में एक पंडाल, और हर पंडाल में 20 से 50 साउंड, तब ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रही है, वो भी 9 दिनों तक लगातार। सोचने की बात है, कोई प्रशासन नहीं आई, कोई प्रशासन, और हमारे यहाँ गाड़ियाँ दौड़ती हैं ताकि बाधा डाला जाए, इन सबकी जयंती ना हो पाए, तो सोचने की बात है। और मैं यही चाहूँगा कि इस बार 2019 के चुनाव में बहन जी को PM बनाना है, हर हाल में आप लोग सपोर्ट करिए। आज हमारे SC ST OBC भाई माइनॉरिटी सभी लोग एक हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब का मिशन अब आगे बढ़ रहा है, हमारे समाज के लोग जागृत हो रहे हैं। और एक गीत मैंने आप लोगों के बीच में भेजा था, रिकॉर्डिंग कराई थी, उसको थोड़ा सा सुना दूँ। हाथी चुनाव निशान पे अब की अपनी मुहर लगाना है, हाथी चुनाव निशान पे अब की अपनी मुहर लगाना है, बहन कुमारी मायावती को अब की PM बनाना है, आयरन लेडी बहन माया को दिल्ली में पहुंचाना है, शासक किस देश का हमको बन कर दिखाना है, शासक किस देश का हमको बन कर दिखाना है,
आयरन लेडी बहन माया को दिल्ली में पहुंचाना है, बहन कुमारी मायावती को अब की पीएम बनाना है। और एक मैंने गठबंधन गया था सपा बसपा का, एक लाइन, और मिलल माया अखिलेश अबढ़ल विरोधियन के कहलेस, दे दिहल अब संदेश अब बहुजन और मुस्लिम भैले एक, सत्ता अब की छिनाई चुनौवा में, पासा अब की पलटाई चुनौवा में, चुनौवा में हो चुनौवा में, चुनौवा में हो चुनौवा में, सत्ता अब की छिनाई चुनौवा में, पासा अब की पलटाई चुनौवा में। जय भीम। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए कैसे भी अपनी सरकार बनानी है। सबको मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज। बाबू सुन ला क्या चल रहा है।